और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान का जो बजट आया है अभी, राजस्थान बजट 2024-25। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट में, काफ़ी नई चीज़ें भी होगी और कुछ पुरानी चीज़ें भी है, तो हम सब कंपाइल करके जो है वो ये लगभग लगभग 14 पेज, यानी कि आप प्रिंट भी करवाओगे तो 7 पेज में प्रिंट हो जाएगा दोनों तरफ। तो आप, मैं ये PDF भी आपको शेयर कर दूंगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप सर्च करेंगे MNESHLIVE मनीष लाइव, तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको ये PDF भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो वीडियो भी आप देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट में पुरानी सरकार की कई सारी बातों का जिक्र किया गया और बताया गया कि राजस्थान को किस तरीके से जो है वो एक डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया है, वैसी कुछ कई सारी बातें। उन बातों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे, लेकिन पूरा बजट कवर हो जाएगा ना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो बजट में 5 चीज़ों को प्राथमिकता में रखा गया है। मतलब कहा गया है कि पहले प्रधानमंत्री जी ने 3 चीज़ों की घोषणा की थी, गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए, बिजली, पानी और सड़क। हम इसमें 2 नई चीज़ें और जोड़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, और टोटल मिला के 5 चीज़ों को प्राथमिकता पे रखा गया है। मतलब हालांकि कई सारे अच्छे अनाउंसमेंट्स भी है, ओवरऑल बजट जो है वो सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन मतलब एक तरीके से ये मानो कि जैसे 31 जुलाई 2024 तक के अनुमान तो सरकार ने बता दिए, उसके बाद के ओवरऑल बजट तो पूरे साल का ही है, लेकिन सरकार ये कह रही है लास्ट में कि भाई हम लास्ट में एक 31 जुलाई 2024 से पहले पहले जो है वो हम एक परिवर्तित बजट और प्रस्तुत करेंगे। तो वो क्योंकि लोकसभा चुनाव के चक्कर में वो प्रॉपरली वो बजट नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से अभी लेखानुदान लिया है और फिर परिवर्तित बजट भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो पहला कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में हमने कई सारे कार्य किए हैं। 100 दिन की कार्य योजना में आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम सुना होगा और उसमें सरकार जो है वो लगातार कार्य कर रही है, और 100 दिन में सरकार के कुछ उद्देश्य हैं जिनमें से एक जो पहले चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था, मतलब BJP गवर्नमेंट ने वादा किया था कि भाई हम आते से ही जो है वो 450 रुपये में LPG सिलेंडर कर देंगे। तो 450 रुपये का LPG सिलेंडर कर दिया गया, जिससे 73 लाख परिवारों को जो है वो लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो थी, उस अन्नपूर्णा रसोई योजना में 450 ग्राम भोजन मिलता था, अब उस 450 ग्राम भोजन की जगह जो है वो 600 ग्राम भोजन करने का निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया है। मतलब और इसके साथ साथ ही जो पहले राजकीय सहायता में, अब देखो थाली तो 8 रुपये में मिल रही है, लेकिन पहले क्या होता था, राजकीय सहायता 17 रुपये की होती थी, यानी कि सब्सिडी 17 की होती थी, अब सब्सिडी बढ़ाकर जो है वो 22 रुपये की कर दी गई है, यानी कि एक थाली की कीमत जो है वो 30 रुपये आंकी गई है। ठीक है, इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि पहले विधानसभा क्षेत्र जिन क्षेत्रों में जो है वो कांग्रेस सरकार के विधायक नहीं थे, मतलब कांग्रेस के विधायक नहीं थे, उन क्षेत्रों के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है, तो उन क्षेत्रों के उन्नयन और साथ ही साथ सड़कों के निर्माण और उनके उन्नयन के लिए विशेष रूप से हम एक स्टेट रोड फंड बना रहे हैं। ये 1500 करोड़ रुपये का रोड फंड सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। मतलब ठीक है, ये बजट दिया कुमारी का पहला बजट था, दिया कुमारी वित्त मंत्री, और लगभग पिछले 22 सालों में ऐसा हुआ है कि पहली बार मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई और जो है वो बजट प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री था पिछले 22 सालों से। तो ठीक है, अगला जो है, बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ कार्य किए जाएंगे। इसमें प्रसारण जो निगम है, तो प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो उन दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है वो इनवाइट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो सरकार की तरफ से बनाया जाएगा, और टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, यानी कि एक्चुअली ऑपरेट करना है, ट्रांसफ़र करना है, ये एक तरीके की PPP आधारित कुछ गतिविधियां होती हैं जिनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके सरकार जो है वो प्रसारण निगम में ऐसी व्यवस्था लाने का प्लान कर रही है। साथ ही सभी बिजली कंपनियों और निगमों में विशेषज्ञों की सहायता से एक बिजनेस प्लान भी लाया जाएगा,
ताकि कंपनियां प्रॉपर जो है वो एक बिजनेस फर्म की तरह कार्य कर सके, अपनी पूंजी जुटा सके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर सके, प्रोफेशनल्स काम कर सके, उस स्थिति में कार्य किया जाएगा। और 10 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक रिसोर्स एडुकेसी प्लान बनाकर जो है वो समयबद्ध रूप से उसे लागू किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि देखो, लंबे समय से बिजली कंपनियां जो है वो घाटे में चल रही थी, इसके साथ ही एक उदय योजना लाई गई थी, तो उदय योजना के माध्यम से कंपनियों को जो है वो सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए गए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो हमारे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है, खरीद नहीं कर पाती है बिजली कंपनियां, बाहर से खरीद करती है तो फिर बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो वो 24/7 सप्लाई नहीं हो पाती, तो कई सारी प्रॉब्लम्स बिजली कंपनियों को फेस करनी पड़ रही है। कर्मचारियों की भी समस्या है, प्रोफेशनल्स की भी समस्या है, तो प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जा सके और प्रोफेशनल्स प्रयोग किए जा सके, तो ऐसे कई सारे बिजनेस प्लान जो है वो सरकार की तरफ से लाने का एक अनाउंसमेंट जो है वो इस बजट में किया गया है। इसके अलावा आपने 22 जनवरी 2024 का दिन आपने देखा होगा, उस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी भगवान श्री राम की, और 22 जनवरी को ही जब मोदी जी दिल्ली वापस आए थे तो उस दिन एक अनाउंसमेंट किए थे, और वो अनाउंसमेंट था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के माध्यम से ये प्लान किया गया कि 1 करोड़ जो घर हैं उन 1 करोड़ घरों पर विशेष रूप से सोलर पैनल्स वगैरह और ये लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से लोगों का एक तो खर्चा कम हो जाए और एक सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली जो है वो लोगों को प्रोवाइड हो सके। मतलब इस उद्देश्य से ये कार्य जो है वो किया जाएगा। अब इसमें आपने कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा होगा कि पहले चरण में जोधपुर और सीकर को राजस्थान में भी चयन किया गया है, मतलब है ना, और वहाँ रूफटॉप सोलर कनेक्शंस के लिए चिन्हित किया गया है जिसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके पीछे रीज़न एक्चुअली क्या है कि राजस्थान जो है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोलर इंसोलेशन रखता है, मतलब, और इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि हमारे पास में 325 दिन जो है वो खुला आसमान होता है, सोलर इंटेंसिटी हमारे पास में अच्छी है, हमारे पास में एरिया अच्छा है, बंजर भूमि काफ़ी सारी है, तो हम सोलर पैनल्स वगैरह लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो है वो यहाँ जो कॉस्ट है, मतलब एक्चुअली सोलर इंस्टॉलमेंट की, वो भी कम है, मतलब और क्षेत्रों में ज़्यादा कॉस्ट है, पर यहाँ क्योंकि बिजली कंपनियाँ इंटरेस्ट लेती है तो इस वजह से कॉस्ट कम है, ठीक है, तो इस वजह से राजस्थान में इसकी संभावनाएँ सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में प्रदेशवासियों को अधिकाधिक सौर ऊर्जा कनेक्शन दिए जा सके, मतलब यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है उसकी पूर्ति में राजस्थान अपना एक प्रॉपर योगदान दे सके, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट्स स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने इस बजट में रखा है। मतलब इसके साथ ही ऐसे परिवारों को विशेष रूप से प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली जो है वो निशुल्क मिल सकेगी, तो कहीं भी किसी भी तरीके से राजकोष पर बर्डन नहीं होगा। अभी जैसे सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री करती है तो उसमें राजकोष पर एक बर्डन पड़ता है यूनिट्स पर, और इन पर जो सरकार ने 200 यूनिट्स बिजली फ्री करी थी वो सारा, अब इस योजना के माध्यम से सरकार को एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा, इसके साथ लोगों को बेनिफिट होगा, ग्रीन एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है लगातार, और सरकार कह रही है कि हम 500 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो उपलब्ध कराएंगे, विशेष रूप से इंटर स्टेट बसेस तो रहेगी, लेकिन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए विशेष रूप से हम ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस भी देंगे। मतलब साथ ही जयपुर मेट्रो का एक रूट तो आपको मानसरोवर से लेके और ट्रांसपोर्ट नगर तक का आपको पता होगा, क्योंकि पहले बड़ी चौपड़ तक का था, फिर उसके बाद में उसको एक्सटेंड करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक लेकर चले गए। ऐसे ही मानसरोवर वाला भी जो है वो 200 फीट बाईपास तक लेकर चले गए थे, लेकिन अब जो है वो जयपुर मेट्रो का टोंक रोड वाला जो फेज है उसको भी सरकार जो है वो डेवलप करने का प्लान कर रही है, इसका DPR तैयार करेगी, जिसमें सीतापुरा अम्बाबाड़ी होते हुए जो है वो विद्याधर नगर तक ये रूट बनेगा। मतलब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट ये किए हैं। अब सरकार ने जल जीवन मिशन पर कदम उठाए हैं। एक्चुअली जल जीवन मिशन काफ़ी दिनों से चर्चा में भी था, इसके भ्रष्टाचार को लेकर ED कार ये बहुत सारा चर्चा हो रही थी इस पे। इसके साथ ही जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से हर घर तक नल जल कनेक्शन प्रोवाइड करवाना लक्ष्य रखा गया है, और इसमें प्रति व्यक्ति 55 लीटर जो है वो जल कनेक्शंस प्रोवाइड, मतलब इतना तो जल जो है वो लोगों तक पहुंचाना
का एक उद्देश्य रखा गया है। इसमें कई सारी शिकायतें आई, कई सारा भ्रष्टाचार हुआ, परियोजना जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इससे देश में JJM कवरेज यानी कि जल जीवन मिशन कवरेज जो है उसके मामले में राजस्थान देश में 33वां स्थान रहा। अब सरकार का प्लान ये है कि आगामी वर्ष में हम 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल से जोड़ने का काम करेंगे मतलब, और इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगे। जल जीवन मिशन जब आप पढ़ते हैं तो इसको डिटेल से भी डिस्कस किया था हमने पहले भी, 4 स्तर पर इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर और विलेज लेवल पर पानी समितियां बनी हुई है जो इसकी मॉनिटरिंग का कार्य करती है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको PDF वगैरह जो चाहिए होगी तो ये मनीष लाइव टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लें, और साथ ही अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबरों पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सरकार ने ERCP परियोजना को लेके जो है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, क्योंकि बजट में ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जनरली अपन इसे बोलते हैं, तो वो इसलिए बोल रहे हैं अपन तो क्योंकि हमारा पहले का प्लान था ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, पर अब जो है वो इसको ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट नाम दिया जा रहा है मतलब। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जैसे MP राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है वो एक MOU साइन हुआ है और उसमें प्रॉपर MP सहमत हुआ है राजस्थान को जल देने के लिए, क्योंकि चंबल नदी उधर से और उसकी सहायक नदियां उधर से ही निकल रही है, और ये जो प्रोजेक्ट था वो चंबल और उसकी सहायक नदियों का जो अतिरिक्त जल था उसे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की नदियों में डालना था मतलब। तो टोटल पहले जैसे 13 जिलों की बात कर रहे थे, फिर नए जिले भी बने, तो टोटल 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा जो है वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाएगा। इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। हमारे देश में नदी जोड़ो परियोजना जो है वो बड़े स्तर पर संचालित की जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो नदी जोड़ने के कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना में जो हमारा स्टेट शेयर है, क्योंकि जो हमने जो एक तरीके से प्लान किया था कि हम इतना परसेंट जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इतना परसेंट प्रोवाइड करवाएगी, तो उसको हम समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि इसका काम प्रॉपर चल सके। अभी कुछ समय पहले ही ईसरदा वाले क्षेत्र में, क्योंकि इसमें जो डैम बन रहे हैं, इसमें जो बैराज बन रहे हैं वो कई सारे बनाए जा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा डूंगरी बैराज बन रहा है एक सवाई माधोपुर में, इसके अलावा ईसरदा एक बैराज बन रहा है, इसके साथ ही नवनेरा बैराज भी बन रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले नवनेरा बैराज में CM साहब जो थे वो विजिट करके गए थे, फिर वो ईसरदा भी गए थे। डूंगरी बांध भी बन रहा है, बड़ी कैपेसिटी का बांध है। इसके अलावा और भी जैसे मेज वगैरह, कूल वगैरह नदियों पर भी डैम्स बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपने पहले भी डिस्कस किए थे और आगे और हम डिस्कस करते रहेंगे इस प्रॉपर परियोजना के बारे में। तो इसके तहत जो है वो बड़ी मात्रा में पानी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, उद्योगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। अब सरकार ने एक और इसमें महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया है कि पहले इस परियोजना की अनुमानित लागत जो थी वो 37,250 करोड़ रुपये थी, अब हम इसको बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जल स्वावलंबन मिशन चल रहा था, क्योंकि वो स्वावलंबन मिशन जो था वो उससे पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, फिर उस योजना को ख़त्म करके राजीव गांधी जल संचयन योजना संचालित की गई, फिर अब नाम ही बदला गया था, काम सारे वो के वही थे। अब जो है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन मिशन 2.0 जो है वो सरकार की तरफ से शुरू किया जाएगा, बिल्कुल फ्रेश नया मिशन होगा। और इसके माध्यम से जैसे हमारे जो वाटर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि पौंड है, तालाब है, खड़ीन है, नाड़ियाँ हैं, इन सब की साफ़ सफाई करके नई नाड़ियाँ बनाना, जो इन सीटू जल संरक्षण का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में ही जो है वो खाड़ियाँ, नदियाँ झीलें क्या बावड़ियाँ और पौंड वगैरह ये बना के उनको वहीं पर बारिश के पानी को संरक्षित करने के उद्देश्य से, ताकि पेयजल उपलब्ध हो सके और सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो सके। इसमें सरकार कह रही है कि हम 11,200 करोड़ रुपए की राशि से जो है वो इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं। आगामी 4 सालों में जो है वो 20,000 गांवों में, ध्यान से सुनना, 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही इसके पहले चरण में हम 5,000 से अधिक गाँव में, टोटल 20,000 गाँव होंगे ना, तो 4 सालों के लिए स्पेशली इसे डिवाइड किया गया है, तो 5,000 गांवों में जो है वो हम 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 काम करेंगे मतलब।
आने वाले टाइम पे ये बहुत ही चर्चित मिशन रहेगा, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से ही सुनना, ठीक है। क्योंकि राजीव गांधी जल संचयन योजना का अब नाम वो ख़त्म सी हो गई है ना, और उसकी जगह राजीव मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 चलेगा, ठीक है। तो टोटल 20,000 गाँवों में 5,00,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी और 3,500 करोड़ रुपए जो खर्च करके और शुरुआत में पहले चरण में 5,000 गांवों में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। उसके बाद में वन संरक्षण और वन्य जीवन के क्षेत्र में जो है वो सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं। देखो, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया जो है वो एक मिशन चलाया गया था फिर 2023 में राजस्थान सरकार ने बजट अनाउंसमेंट में घोषणा की कि हम भी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान चलाएंगे। अब राजस्थान सरकार ने प्लान किया कि हम 4 करोड़ जो पौधे हैं वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वितरित करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसके तहत वृक्षारोपण करेंगे, ओरण होते हैं मतलब विशेष रूप से धार्मिक वन क्षेत्र, तो उनको डेवलप करेंगे। साथ ही जो है वो पौध वितरण का कार्य करेंगे ताकि घरेलू स्तर पर भी ये डेवलपमेंट कार्य किया जा सके, पौध संरक्षण का और पेड़ों के मतलब फॉरेस्टेशन का कार्य किया जा सके, और आजीविका संवर्धन गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगे, जिसमें 300 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अरावली हिल्स जो है वहाँ पर भी हम 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने वाले हैं। इसके साथ ही गोडावन संरक्षण को लेकर, क्योंकि हमारे पश्चिमी राजस्थान में बड़े सोलर प्रोजेक्ट और पानी के लिए कई कैनाल्स वगैरह बनाने की वजह से और एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपरली डेवलप की जाने की वजह से जो इनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म सा हो गया है, और क्योंकि इसके अर्ध शुष्क घास के मैदान जो है वो इसके हैबिटेट होते हैं, और गोडावन के हैबिटेट ख़त्म होने से गोडावन को भी संकट एक उत्पन्न हुआ है, लगातार जो वो इनकी जो संख्या है वो डिक्लाइन होती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए कई सारे टनल्स बनाए जाएंगे ताकि मान लो कहीं पर अगर रोड निकल रही है तो गोडावन को कोई मुसीबत ना हो और रोड भी निकल जाए, वहाँ प्रॉपर एक टनल बनाई जाएगी जहाँ से नीचे से रोड निकल जाएगी मतलब, है ना। तो गोडावन संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ब्लैक बक यानी कि काले हिरण हेतु जो है वो जसवंतगढ़ नागौर में एक हैबिटेट डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हैबिटेट डेवलप कहाँ किया जाएगा, तो जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट का काम करने वाले हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। ये एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की अगर अपन बात करें तो जैसे सरकार कह रही है कि GSDP में इसका हिस्सा जो है वो 30% का है, मतलब कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र का, बजट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ना। दूसरा, फिर अगर अपन बात करते हैं तो इसमें लगभग 85,00,000 जो है वो परिवारों को रोज़गार मिला हुआ है। अब सरकार ये कह रही है कि हम इस क्षेत्र में PM किसान सम्मान निधि जो है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपये प्रोवाइड करवाती है, 2,000 रुपये की किस्तों में 3 बार जो है वो ये पैसे दिए जाते हैं किसानों को। अब हम क्या करेंगे, हम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और देने वाले हैं मतलब इसमें, और टोटल मिला के जो है वो 8,000 रुपये की राशि जो है ये हो जाएगी। 30 जनवरी 2024 को ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और बजट में जो है वो ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। साथ ही अगर अपन रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ की फसल की बात करें तो रबी 2023-24 से जो MSP दी जा रही है, मतलब उस MSP में हम जो नॉर्मल MSP है उस नॉर्मल MSP पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है उस पर राजस्थान सरकार की तरफ से 125 रुपये जो है वो अतिरिक्त MSP दी जाएगी प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 125 रुपये बोनस हो गया। जैसे मान लो 2200 रुपये MSP है तो 2200 रुपये MSP है तो फिर 2325 रुपये जो है वो एक तरीके से ये हमारे राजस्थान की तरफ से MSP हो गई, ये बोनस हो गया प्रति क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की, तो राजस्थान सरकार कह रही है कि हम एक ऐसा नया मिशन लेकर आएंगे। इसमें क्या होगा कि हम राजस्थान में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के कई सारे काम करेंगे। जैसे उन कामों में सरकार कह रही है कि 20,000 तो फार्म पोंड हम बनाने वाले हैं, इसके अलावा 10,000 किलोमीटर की सिंचाई पाइपलाइंस जो है वो हम इसमें डेवलप करने वाले हैं, 50,000 किसानों के लिए जो है वो हम तारबंदी की सुविधाएं डेवलप करेंगे,
5,000 कृषकों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसमें कोई भी फाइनेंशियल जो खर्चा आएगा वो सरकार इसमें बजट में शामिल कर ही रही है। नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स जो है वो हम लागू करें मतलब बनाएंगे। इसके साथ ही फूड पार्क्स बनाएंगे, हॉर्टिकल्चर हब बनाएंगे। ये सब परिवर्तित बजट में सरकार अनाउंसमेंट कर देगी। अभी सरकार ने एक मोटा मोटा खाका जो है वो प्रस्तुत किया है इसमें। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित करेंगे जिनमें हम ड्रोन फैसिलिटीज़ भी देंगे। अभी जैसे मोदी जी ने कुछ समय पहले ड्रोन के बारे में भी कई सारी बातें की, क्योंकि ड्रोन आगामी टाइम में एग्रीकल्चर में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज लाने वाला है। तो इसलिए हम ड्रोन जैसी नई तकनीकों को भी कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर प्रोवाइड करवाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं जैसे गांव विशेष में, पंचायत क्षेत्र में विशेष रूप से जो है ये मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में बना दिए जाते हैं, जहां एक तरीके से ट्रैक्टर हो गया, हल हो गए, ये सब किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके बाद में सरकार ने अनाउंसमेंट किया है मिलेट्स को लेके, श्री अन्न को लेके। जैसे आपने देखा होगा मिलेट्स को लेके पिछले साल जो है वो यूनाइटेड नेशन ने पूरा ईयर जो था वो मिलेट्स को डेडिकेट किया था। इस बार ऊँटों को लेके भी है ना, आपको आगे जो कैमेलिड प्रजाति के जीव हैं उनके लिए है मतलब, है ना। इस बार का जो साल है 2023 का मिलेट्स का था। तो राजस्थान एक्चुअली मिलेट्स उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है और लगभग राजस्थान जो है वो 41% के आसपास मिलेट्स का उत्पादन करता है। अब ऐसे में राजस्थान के किसानों को और बेनिफिट्स दिए जाने के लिए और आने वाले टाइम पे जो है, क्योंकि मिलेट्स पोषक अनाज है मतलब यहाँ इससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और जैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है ये। तो आगामी वर्ष में सरकार कह रही है कि हम 12 लाख किसानों को तो मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों और 4 लाख किसानों को मूंग और मोट ज्वार वगैरह और ये जो भी हैं इनके उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में इनमें तो ऐसे डायरेक्टली 8, 12 लाख, 7 लाख, 4 लाख ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि कुछ अनाउंसमेंट से आप मेंस में, आरएस मेंस में या रिटर्न में जो भी आप लिखना चाहो तो आप इसमें से लिख सकते हो मतलब। इसके साथ ही डेयरी क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो डेयरी क्षेत्र के लिए एक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। अब ये गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या होगी, जैसे आप हमारा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जिसके माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए का यानी कि लघु अवधि का जो फसली ऋण है वो मिल जाता है सस्ती दरों पर। ठीक इसी तरीके से जैसे कि गोवंश के लिए शेड बनाने, खेली का निर्माण करने, पानी पीने के लिए जो खेलियाँ होती है ना, एक पॉन्ड टाइप का छोटा सा वो बनाना, दूध चारा बाँट इससे संबंधित कोई भी उपकरण जो है वो बनाने, इसके लिए 1 लाख रुपये तक का, देखो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख का होता है ना, इसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण जो है वो किसानों को यानी कि गोवंश पालकों को प्रोवाइड करवाया जाएगा और प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ये ऋण उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो युवाओं के लिए सरकार ने इस बजट में क्या अनाउंसमेंट किया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये ध्यान से सुनना। देखिए 70,000 पदों पर भर्तियां सरकार ने अनाउंस की है। इसके साथ ही युवा साथी केंद्रों की घोषणा की है जो युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन में काम करेंगे ताकि वो निजी क्षेत्र में भी, देखो निजी क्षेत्र में रोजगार बहुत है लेकिन युवा एक्चुअली सरकारी क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं, तो उसके लिए सरकार प्रॉपर, अगर आप में क्वालिटी है और आप निजी क्षेत्र में एक प्रॉपर प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो आप निजी क्षेत्र में भी काम कर सके, उसके लिए प्रॉपर करियर काउंसलिंग का काम करने के लिए विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर यानी कि लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्रों की सरकार की तरफ से जो है वो स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही पेपर लीक को लेके युवाओं में एक रोष भी था, एक निराशा भी रही, एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हुई कहीं ना कहीं, तो उसको लेके सरकार जैसे ही बनी थी तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था सरकार ने। इसके बाद में कह रहे हैं इसी में ही कि प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे, जैसे आपने पिछले साल खूब रोजगार मेलों के बारे में सुना होगा तो ऐसे ही रोजगार मेले लगाए जाएंगे प्रत्येक संभाग स्तर पर। उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में जो है वो कैंपस प्लेसमेंट्स का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट को लेके लोग जो है अगर युवा सीखते हैं तो अपने स्तर पर भी रोजगार कार्य कर सके मतलब। इसके बाद जो है वो RPSC और राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी करेगा, जिसको लेके काफ़ी मुद्दा भी उठा था
कुछ एक दो महीने पहले। इसी के साथ मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम जो है ये लागू किया जाएगा, ये प्रारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से आने वाले 2 वर्षों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि पर्यटन कौशल यानी कि पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको गाइड किया जाएगा, उनको एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कलाओं का और गाइड जैसे प्रशिक्षण जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे स्वरोजगार डेवलप हो सके या वो कहीं एम्प्लॉय हो सके, मतलब है ना वो वाले। इसके साथ ही केजी से पीजी तक जो है वो निशुल्क शिक्षा की सुविधा जो है वो सरकार प्रोवाइड करवा रही है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुँचे, ये हमारा पहला प्राइमरी लक्ष्य भी है, और इसको पहुंचाने के लिए अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसान जो है या खेती और श्रमिक जो है, इनके परिवारों के छात्र छात्राओं को केजी से लेके और पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त प्रदान करने की सरकार घोषणा करी है। अब आपने देखा होगा जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है हमारा आरटीई जो एक्ट है उसके माध्यम से राजस्थान सरकार ने पहली कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पिछले साल बजट में अनाउंसमेंट किए थे। इस बार सरकार ने अनाउंसमेंट किया कुछ वर्गों को, देखो यहाँ सीमित है, अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसान, खेती और श्रमिक के परिवार वगैरह, यही केवल है मतलब इसमें, है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक जो है वो निशुल्क शिक्षा मिल सके, ये सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, राजकीय शिक्षण संस्थानों में सरकार ने कहा है कि भवनों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, कक्षा कक्ष जो है उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है, टॉयलेट्स बहुत बुरे हैं, बालिकाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है प्रॉपर, और इस स्थिति को ठीक करने के लिए भवनों को रिपेयर करने, कक्षों को ठीक करने, बालिकाओं के टॉयलेट्स के निर्माण करने, डिफरेंट अलग टॉयलेट्स बनाने के लिए, और विभिन्न विभागों के तहत कई सारे हॉस्टल संचालित है, जैसे अल्पसंख्यक विभाग का है, सामाजिक न्याय अधिकारिता के हॉस्टल्स हैं, अलग अलग हॉस्टल्स हैं, या कोई रेजिडेंशियल स्कूल्स है, तो उनका हम उन्नयन करेंगे, उन्हें रिपेयर करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे, और इसके लिए हम 250 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। एक्चुअली क्या है कि कुछ कमज़ोर वर्ग के और जो मध्यम वर्ग के बालक बालिकाएं जो है वो साथ पढ़ते हैं, मतलब ऐसी स्थिति में कमज़ोर वर्ग के छात्रों के पास में न तो बस्ता हो पाता है, न उनके पास में बेसिक जो चाहिए होता है, जैसे कि किताबें चाहिए होती है, कुछ यूनिफॉर्म चाहिए होती है, तो वो नहीं होती। ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को, ध्यान रखना 1 से लेके 8 तक तो सभी विद्यार्थी, ठीक है, और 9 से लेके 12वीं तक केवल छात्राएं, मतलब उन्हें आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, और लगभग इससे 70 लाख विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं, ताकि वो क्या कर सके, आवश्यक स्कूल बैग जो है वो खरीद सके, जो भी टिफ़िन बॉक्स हो गया, स्कूल बैग्स हो गए, या ड्राइंग बॉक्स हो गए, किताबें हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, ताकि उसमें विशेष रूप से वो अपने स्तर पर जो भी मनपसंद चीज़ें वो खरीद सके, ठीक है, जो स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बाद सरकार कह रही है कि अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्लिरेटर्स हम स्थापित करेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखो इनोवेशन जो है वो आगामी समय में रोज़गार का एक बहुत अच्छा माध्यम होगा, क्योंकि कोई भी इनोवेटर होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा और वो कम से कम भी नहीं तो 10 लोगों को रोज़गार देगा, और आसपास कई सारी चीज़ों को, कई सारी समस्याओं को जो है वो निजात करने में भी योगदान देगा, ठीक है, जैसे कि रूम्स को लेके कई सारी एप्लीकेशंस बनी तो ये इनोवेशन था, ऐसे ही जो है वो ओला उबेर जैसी एप्लीकेशन है तो ये एक इनोवेशन है, है ना। तो इसी तरीके से इनोवेटिव माइंड्स को एक तरीके से नर्चर करने के लिए, उन्हें एक्लेरेट करने के लिए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में जो है वो स्टूडियो बनाए जाएंगे, ऐसे मतलब एक तरीके से आप इसे इनक्यूबेटर्स समझ सकते हो, मतलब है ना, तो ऐसे अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्लेरेटर्स बनाए जाएंगे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में, जहाँ प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा और उनके आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ को समाज, प्रदेश और देश की उन्नति में सार्थक योगदान दिया जा सके
उन्हें डेवलप किया जा सके उन आइडियाज़ को, और उनके माध्यम से जो है वो देश समाज की समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण योगदान मिल सके और साथ ही युवाओं को रोज़गार भी मिल सके। मतलब इन एक्लेरेटर्स में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक फैब लैब और मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएँ जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो बजट को मैंने बहुत सरल बनाने की कोशिश की है ताकि पॉइंट्स में आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सको। मतलब इसके बाद में मिशन ओलंपिक योजना चलाने की घोषणा की है सरकार ने। एक मिशन ओलंपिक चलाने का प्लान किया है 2028 को टारगेट करते हुए, क्योंकि 2028 के ओलंपिक में राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा। भाई देखो राजस्थान के बहुत ही कम खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि लगभग 50 प्रतिभाशाली युवाओं को हम ऐसी ट्रेनिंग दें ताकि उनको ट्रेनिंग किट और कोच ऐसे प्रोवाइड करवाए जाएं विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ में, ताकि वो राजस्थान का नाम रोशन कर सके और राजस्थान का जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में युवाओं को और प्रेरणा के स्रोत बन सके। मतलब है ना, इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, ये काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट है मिशन ओलंपिक 2028 है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स की, तो यानी कि गर्ल्स के लिए जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल्स बनाए जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जहाँ बालिकाएँ वहाँ रहेगी और स्पोर्ट्स संबंधी जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो फैसिलिटीज़ मिल सके। मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन से ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको सेग्रीगेट किया है। इसके बाद सैटेलाइट सिटीज़ की बात की है बजट में। एक्चुअली सैटेलाइट सिटीज़ पहले भी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया था इकोनॉमिक रिव्यू में। होता यह है कि एक मेजर सिटी होती है और उस मेजर सिटी पर आसपास के क्षेत्रों से प्रवास होता रहता है, तो ये प्रवास जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ सुविधाओं पर तो दबाव उत्पन्न करता ही है, जैसे कि पानी, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पर, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कई और समस्याएं जैसे गंदी बस्ती की समस्याएं यहाँ क्रिएट होती है, रोज़गार की समस्याएं यहाँ क्रिएट होती है, अपराध यहाँ डेवलप होने लगते हैं। तो इन सब से निजात दिलाने के लिए हम सैटेलाइट सिटीज़ बनाना चाहते हैं। कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में जो है वो सैटेलाइट सिटी कॉन्सेप्ट जो है वो अपनाया गया, जैसे मुंबई के निकट जो है वो पुणे को सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप किया गया। आप इसे मैग्नेट सिटी के रूप में बोल सकते हो। मैग्नेट सिटी का मतलब होता है कि फिर एक ऐसी सिटी होगी जो सारा रोज़गार एक तरीके जो भी इधर की तरफ दबाव है उस दबाव को अपनी तरफ खींच लेगी, मतलब है ना। तो वही सैटेलाइट सिटी है, मतलब उस सिटी का ही एक रूप है, जैसे जयपुर के दिल्ली के पास में नोएडा बनाया गया था, है ना। हैदराबाद के निकट जो है वो साइबराबाद बनाया गया, इसके अलावा अहमदाबाद के निकट एक गिफ्ट सिटी बनाई गई। ठीक इसी तरीके से सरकार कह रही है कि जयपुर के निकट भी हम एक हाईटेक सिटी बनाएंगे, है ना, और उस हाईटेक सिटी में जो है वो हाईटेक टाउनशिप होगा, IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AI, मशीन लर्निंग और न्यू एज सब्जेक्ट्स जो भी होंगे उनसे रिलेटेड संस्थान होंगे, कंपनियां होंगी, ये सब काम करेगी उस हाईटेक सिटी में, ताकि IT सेक्टर एक अलग डेवलप हो जाएगा और इसके साथ साथ ही जो है वो रोज़गार और लोग और डेवलपमेंट जो है वो जयपुर से थोड़ा अलग दिशा में होने लगेगा। मतलब जो एक अच्छी स्थिति है, जयपुर पर दबाव को कम करने का काम करेगा। और फिर सरकार करी कि गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार इसमें पैसा भी देती है, सहायता भी दे रही है, तो क्यों ना फिर हम जो है वो एक ऐसी वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डेवलप कर सकें। तो ऐसे सैटेलाइट सिटी का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। इसके बाद में सरकार ने योजना चलाई है लाडो प्रोत्साहन योजना। देखो लाडो प्रोत्साहन योजना यह है कि अगर गरीब परिवारों में बालिकाओं का जन्म होता है, क्योंकि यहाँ गरीब परिवारों के लिए या कोई क्राइटेरिया अभी नहीं बताया, जब योजना चलेगी तो उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस आती है, तो गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर जो है वो 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड जो है वो सरकार प्रदान करेगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इसमें क्या होगा कि शुरू में ही बालिकाओं के प्रति एक टेम्परामेंट चेंज होगा, 1,00,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड उन्हें मिल जाएगा। बालिका की 18 साल की उम्र हो जाएगी तब तक वो बॉन्ड रहेगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट वगैरह रहेगा वो फिर 18 साल बाद में उन परिवारों को मिल जाएगा, जिससे उनकी शादी, पढ़ाई का खर्चा या जो भी खर्चे होंगे वो ईजिली वहन किए जा सके। मतलब तो एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है लाडो प्रोत्साहन योजना का। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, और उसमें उद्देश्य था महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, जिसमें प्रदेश में भी कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से, जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह की जो सखियां होती है उनमें 2,80,000 महिलाओं का चयन किया गया,
और उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है ड्रोन चलाने की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकी, जिसमें 1,00,000 रुपये से अधिक वार्षिक आमदनी जो है वो उनकी हो सके, मतलब लगभग 10,000 रुपये जो है वो मंथली कमा सके, मतलब इतना जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उनका चयन किया जा रहा है। मतलब अब सरकार ये कह रही है कि इसी योजना को गति देते हुए हम आगामी वर्ष में 5,00,000 परिवारों की आय 1,00,000 रुपये वार्षिक तक ले जाने का काम करेंगे। ये गरीबी निजात का एक बहुत अच्छा ये भी प्रोग्राम होगा, मतलब ठीक है। इसके साथ ही मातृ वंदना योजना में सरकार ने कुछ नया एडिशन किया है। सरकार ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है मातृ वंदना योजना के तहत, मतलब कि 2 किस्तों में 5,000 रुपये मिल जाते हैं मतलब। लेकिन अब हम आने वाले टाइम पे जो है आगामी वर्ष में जो है वो प्रदेश में पहले चरण के तहत, मतलब इसका जो पहला चरण चलाया जाएगा उसमें हम इसे बढ़ाकर 6,500 यानी कि 1,500 रुपये की किस्त एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और दी जाएगी, मतलब ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जाएगी प्रथम बच्चे के, मतलब संचालित की जा रही है, अब प्रथम बच्चे के जन्म पर जो है वो 5,000 की जगह 6,500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही आदर्श आंगनबाड़ी योजना का सरकार ने अनाउंसमेंट किया और इसमें कहा कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच में, पोषण में, प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से अगर मान लो उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आंगनबाड़ी लेवल पर कई सारे काम होते हैं, तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो स्वास्थ्य जांच, पोषण और प्री स्कूल की दृष्टि से, तो हम क्या करेंगे कि उसको और उत्कृष्ट बनाएंगे और उत्कृष्ट बना के उसे एक आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में चयन करेंगे, ताकि वो आसपास के क्षेत्रों की और आंगनबाड़ियां जो है वो उससे सीख सके और बच्चों का जो प्री स्कूल एक तरीके से एंगेजमेंट है, प्री स्कूल डेवलपमेंट जो है वो ठीक ठाक हो सके, क्योंकि बालिकाएं भी यहाँ से जुड़ी रहती है, महिलाएं भी जुड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें भी कई सारी स्वास्थ्य बेनिफिट्स आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है इसमें IPD के साथ साथ डे केयर पैकेज भी जोड़ने की घोषणा की गई है। फिर सरकार कह रही है कि सड़क दुर्घटनाएं बड़े स्तर पर हो रही है और कुछ उन दुर्घटनाओं में क्या होता है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं का कोई पता नहीं कि कहीं पर भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है, तो हम इस मृत्यु को कम करने के लिए हम 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे हाईवेज पर, ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम तुरंत हेल्प प्रोवाइड करवा सकें, मानव जीवन को बचाया जा सके। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है आयुष मिशन करके, उस आयुष मिशन के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ AYUSH यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की तरफ भी लोगों को मोड़ा जाए, क्योंकि एलोपैथी जो आज हम दवाइयां ले रहे हैं इसके कई सारे नेगेटिव भी मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हम भारतीय चिकित्सा पद्धति जो कि सस्ती होती है, जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इनकी तरफ लोगों को आकर्षित करने और स्वास्थ्य लाभ प्रोवाइड करवाने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे। जो खर्चा आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो हम डेवलप करेंगे इस क्षेत्र में, इसके लिए 250 करोड़ रुपये जो है वो खर्च करेंगे। मतलब फिर आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक विश्वकर्मा योजना चला रही है, विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के नाम से वो संचालित है। इसके अलावा अभी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी, उन्हें पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी। अब राजस्थान सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी हम चला रहे हैं, मतलब अब मतलब चलाएंगे। इसमें क्या होगा कि श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स जो है, मतलब जो थड़ी ठेले वाले हैं, इनको वृद्धावस्था में संबल मिल सके, और ये जो संबलन होगा ये विशेष रूप से मतलब ऐसे अभी लोगों को ये पेंशन सुविधाएं इस तरीके से दी जाएगी कि 18 से 45 साल के जो आयु वर्ग के मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स है या श्रमिक है वो क्या करेंगे कि 60 वर्ष की आयु तक होने, मतलब 18 से 45 साल तक के मतलब है ना, वो 100 रुपये प्रीमियम देंगे योजना में, 60 से 100 रुपये तक जो है वो प्रीमियम प्रोवाइड करवाएंगे मतलब है ना, और उस प्रीमियम में 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी उनकी तब उन्हें 2,000 रुपये मासिक पेंशन जो है वो प्रदान कर दी जाएगी, और ये जो पेंशन होगी इस जो प्रीमियम दे रहे हैं जैसे 60 से 100 रुपये का बहुत ही मिनिमम प्रीमियम है ये मासिक है ना,
इस प्रीमियम के साथ साथ सरकार भी जो है वो 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रीमियम वहन करेगी, क्योंकि तब जाके जो है वो प्रॉपर उन्हें 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो ये मिल सकेगा, मतलब पेंशन मिल सकेगी मासिक लेवल पर। और ये जो पेंशन होगी ये मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वो मिलती रहेगी, ये अलग मिलती रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है कि कई पेंशन योजनाओं में एक ही पेंशन योजना का लाभ मिलता है, पर ये इसके साथ ही लाभ मिलेगा, मतलब ठीक है। दूसरा, रोडवेज बसों के किराए में सरकार ने छूट की है और कहा है कि प्रदेश में 60 से 80 साल के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको वर्तमान में 30% की किराए में छूट दी जा रही थी, अब हम इसे बढ़ाकर जो है वो 50% की छूट कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट ये किया है। इसके अलावा दिव्यांग वर्ग जो है उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जयपुर में एक कंपोजिट रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पर दिव्यांगजनों को प्रॉपर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या कोई भी जो उन्हें सहयोगी उपकरण चाहिए होंगे उन उपकरण को प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके साथ साथ ही जो है वो सभी जिला मुख्यालयों पर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या और भी कई जो उन्हें फैसिलिटीज़ की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स स्थापित किए जाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। इसके बाद आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में सुना होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो विशेष रूप से स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और नगर निकाय होते हैं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। ये रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को, और एक प्रॉपर परसेंटेज जो है वो सरकार अपने शुद्ध कर आय जो होती है, यानी कि जो सरकार का एक तरीके से नेट टैक्स इनकम जो होती है, उस नेट टैक्स इनकम में से कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और नगर निकायों को प्रोवाइड करवाती है। पहले ये व्यवस्था थी कि जब हम बात करते हैं जो हमारा 5वां फाइनेंस कमीशन था, उस 5वें फाइनेंस कमीशन के जरिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 7.1% तक का शुद्ध कर आय का हिस्सा प्रोवाइड करवाया जा रहा था, मतलब जो वसुंधरा राजे के समय की बात है। उसके बाद में जब अशोक गहलोत साहब आए, 6th फाइनेंस कमीशन उनके समय बना, तो 6th फाइनेंस कमीशन ने एक्चुअली कटौती करके, मतलब प्रोवाइड करवाने का तो रखा ही, लेकिन फिर कोविड आ गया तो वो भी एक रीज़न रहा, उसकी वजह से जो है वो सरकार राज्य के शुद्ध कर आय का जो है वो 6.75% ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और नगर निकायों को प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की शुद्ध कर आय है, तो इसमें से 6.75% जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और नगर निकायों को दिए जाएंगे। इनमें भी डिवाइड करते हैं फिर इसको जैसे 7.1% के हिसाब से और 24.9% के हिसाब से जो है वो नगर निकायों में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बटा हुआ है, मतलब ये है ना इस तरीके से। तो अब एक्चुअली सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इसको बढ़ाएंगे और आगामी वर्ष में ये 7% का करने की घोषणा की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और नगर निकायों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है। और जो ये बढ़ के राशि जाएगी, मतलब जो 0.25% की राशि जो बढ़ेगी, ये होगी 316 करोड़ रुपए की। और जो ग्रांट जाएगा अगली बार, ये आएगा 8,864 करोड़ रुपये का ग्रांट जो है वो पंचायतों को मिलेगा, मतलब ठीक है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि हमने बहुत पहले पिछली सरकार जो हमारी थी बीजेपी की, उसमें हमने भामाशाह योजना चलाई थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आयुष्मान भारत योजना चलाई, और फिर राज्य सरकार ने क्या किया, इसे जन आधार योजना के रूप में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी आयुष्मान नहीं, वो मैं गलत बोल दिया, भामाशाह कार्ड योजना जो थी फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो जन आधार योजना में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम जन आधार का नाम तो नहीं बदल रही सरकार, वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसको और ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मतलब इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा क्लाउड जैसी तकनीकों को शामिल करेंगे, जिसके माध्यम से ज़रूरतमंद और असहाय परिवार जो है उन्हें स्मार्ट सिस्टम के जरिए, यानी कि सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम, यानी कि जैसे मान लो अगर मैं लाभार्थी हूँ मतलब, तो मेरा डाटा सारा रहेगा, जैसे जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जनधन मेरा जुड़ा हुआ है, मेरा आधार जुड़ा हुआ है मान लो, और साथ ही साथ जो है मेरा मोबाइल जो है वो जुड़ा हुआ है, तो सब इनकम का बैंक खाता जुड़ा हुआ है, मतलब तो सारी इनकम का पता है कि मेरे पास कितनी इनकम है क्या नहीं है, मतलब मान लो अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ तो रियल टाइम सिस्टम के माध्यम से मेरा स्वतः चिन्हीकरण हो जाएगा। अगर सरकार की 10 योजनाएं भी रहेगी तो, और मैं एक योजना में लाभ ले रहा हूँ, तो उन 9 योजनाओं का लाभ भी मुझे मिल जाएगा अगर मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ तो।
ऐसी एक व्यवस्था हम जन आधार योजना में शामिल कर रहे हैं, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए, मशीन लर्निंग का यूज़ करते हुए। और फिर सरकार कह रही है कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पारदर्शीकरण व्यवस्था को, एक मिनट ये क्या हो गया है सिस्टम, अरे बड़ी मुश्किल से गया है भाई। हाँ चलो, तो मैं क्या कह रहा था, इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम, हाँ, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि स्वतः चिन्हीकरण हो जाएगा जो भी लाभार्थी होंगे उसका। और इसके लिए सरकार क्या करेगी कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी ऑब्वियसली। तो राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम जो है वो भी लेकर आएगी, ताकि जो भी लोग स्वतः इसमें शामिल होंगे तो उनको प्रॉपर बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जा सके पारदर्शी तरीके से, है ना। तो राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की सरकार ने घोषणा की है। इसके बाद में अगर अपन बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का क्या अनाउंसमेंट है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने किए हैं। जैसे पदोन्नति के लिए जो डीपीसी होती है, तो उस डीपीसी में 2 वर्ष की छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी। दूसरा, अगर अपन बात करें कार्मिकों के वेतन और जीपीएफ संबंधी जो भी सूचनाएं होगी वो मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये एक मोबाइल ऐप डेवलप की जाएगी जिसके जरिए विशेष रूप से उन्हें जीपीएफ कटौती और वेतन संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहेगी। मतलब इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद में कार्मिकों की समस्याओं, कई सारी समस्याएं आती है एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद में, उन्हें लगातार जो है वो पेंशन लेने के लिए, एक तो उसी दिन जो है वो आवेदन नहीं कर पाते, बाद में आवेदन करते हैं तो उसे चक्कर लगाने पड़ते हैं कई सारे। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके तो रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन परिलाभ और पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियाँ जो होगी वो ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी। मतलब उसी दिन जिस दिन रिटायर्ड होगा उसी दिन जो है वो पारिवारिक पेंशन या पेंशन परिलाभ जो भी रहेंगे वो सारे मिल जाएंगे, मतलब उस दिन ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब इसके अलावा जो पेंशनर्स होते हैं उन्हें अपने एक लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर सबमिट करना होता है ताकि वो जिंदा है और उन्हें वो पेंशन मिलती रहे। मतलब ऐसा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत किए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही RGHS की अगर अपन बात करते हैं तो RGHS के तहत जो दवाइयाँ होगी वो ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी, और ये ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कॉनफेड यानी कि कॉन्फेडरेशन जो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है, कंज्यूमर फेडरेशन, वो कंज्यूमर फेडरेशन ये सुविधा प्रोवाइड करवाएगा, मतलब डोर स्टेप डिलीवरी की। इसके अलावा जो मानदेय कार्मिक जो है वो काम कर रहे हैं, कई सारे मानदेय कार्मिक जैसे आंगनबाड़ी में, रिन में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जनप्रतिनिधि हैं, तो इन मानदेय कार्मिकों को प्रमोट करने के लिए विशेष रूप से 10% तक इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा सरकार ने की है। मतलब ठीक है, इसके अलावा अपराधों पर बेहतर नियंत्रण रखने, कानून व्यवस्था का सही पालन करने के लिए और आम जन को प्रॉपर न्याय मिल सके इसके लिए पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाएगा, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किए जाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ही साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से जो भी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब उनके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाए जाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं बालिका और महिलाओं को सहज और सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाने के लिए हर ज़िले में एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो बनाई जाएगी। ये महिला या पुलिस दलों की एक स्क्वाड होगी, एंटी रोमियो स्क्वाड, जो विशेष रूप से जो रोमियो होते हैं यानी कि जो छेड़छाड़ी करने वाले समाज कंटक होते हैं उनको निपटाने का काम करेगी। इसके अलावा सभी लगभग पुलिस थानों में जो है वो हमारे वुमेन हेल्प डेस्क बनी हुई है। कुछ पुलिस थाने, 174 ऐसे पुलिस थाने हैं जिनमें वुमेन हेल्प डेस्क नहीं है, वहाँ पर भी वुमेन हेल्प डेस्क जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही लाडली सुरक्षा योजना संचालित की जाएगी, जो विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर प्रत्येक ज़िले में, मतलब जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे, बालिका छात्रावास होंगे, नारी निकेतन होंगे, वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अपराध के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। मतलब ठीक है, तो लाडली सुरक्षा योजना बनाई जाएगी, चलाई जाएगी। मतलब इसके साथ ही बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण अभियान अभी संचालित किया जा रहा है, और इसके माध्यम से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो भी बालिकाएं अगर मान लो इसमें ब्लैक बेल्ट होती है, मतलब उच्चतम श्रेणी की ब्लैक बेल्ट अगर किसी बालिका को मिलती है, तो उन्हें स्पोर्ट्स कोटा प्रदान किया जाएगा, और फिर जो स्पोर्ट्स में
जो भी फैसिलिटीज़ है, मतलब जैसे मान लो आरक्षण की व्यवस्था है या कोई और चीज़ें, तो उन्हें वो भी मिलेगी। मतलब तो इस तरीके से बालिकाओं को इस प्रशिक्षण में और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से यानी कि जोड़ने के लिए, है ना, ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यानी कि कार्यक्रम पहले से चल रहा है, बस इसमें जो है वो प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक योजना है लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना, अभी सरकार ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट किया था। एक्चुअली 2008-09 में लोकतंत्र सम्मान पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाई गई थी, फिर जैसे गहलोत सरकार आई थी अभी 2019 में और इस योजना को बंद कर दिया था। मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य था जो 1975-77 के टाइम पे, यानी कि जब 25 जून 1975 में भारत में आपातकाल लगा, उस दौरान कई लोगों ने विरोध किया, तो उन्हें मीसा और DIR जो है इन कानूनों के तहत उन्हें बंदी बना लिया गया था और काफ़ी समय तक वो जेल में रहे, है ना, कई सारी गतिविधियां उनके साथ में की गई। तो उनको पेंशन जो है वो BJP गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। मतलब तो जैसे अपने राजस्थान सरकार में, अपने राजस्थान के जो भी लोग थे जो इस दौरान उसके पीड़ित थे, उन लोगों को 20,000 रुपये पुनः बहाल कर दिया इस योजना को, और 20,000 रुपये तो पेंशन प्लस 4,000 रुपये की चिकित्सा सहायता जो है वो सरकार ने देने का निर्णय लिया है। और भविष्य में ऐसी योजनाओं को इजीली ख़त्म नहीं किया जा सके, इसके लिए सरकार कह रही है कि हम राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लेकर आएंगे, क्योंकि जब अधिनियम आएगा तो फिर वो बजट, मतलब प्रॉपर सदन में जो है वो एक तरीके से पारित होने के बाद में ही उसे, इस योजना को बंद किया जा सकता है। तो ऐसा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम बनाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आस्था केंद्रों का सौंदर्यकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन का सरकार काम करेगी। पहले कई सारे आस्था केंद्रों के सौंदर्यकरण यानी कि वहाँ साफ़ सफाई, टॉयलेट्स, पानी, बिजली, इनकी सुविधाओं के लिए कई सारे अनाउंसमेंट पहले भी सरकारों ने किए हुए हैं, तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो सरकार कह रही है कि उनको जोड़ते हुए, भाई पहले के जो थे उनको तो हम जोड़ेंगे, इसके साथ साथ ही जो है वो गोवर्धन परिक्रमा में एक पूंछड़ी का लोटा करके डीग वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, मतलब ये प्रॉपर हमारे भरतपुर में आ जाता है, और मतलब अब डीग जिले में आ गई वो चीज़, और पूरे गोवर्धन परिक्रमा का एक हिस्सा है वो। तो कुछ समय पहले जब हमारे CM भजनलाल जी बने थे तो उस दौरान वो पूंछड़ी का लोटा में भी गए थे, अखबार में वो फोटोज़ भी आई थी, मतलब है ना, तो पूंछड़ी का लोटा। इसके अलावा श्री मथुरेश जी जो कोटा में है, त्रिनेत्र गणेश जी जो रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में, मतलब यहाँ इनमें भी जो है वो विशेष रूप से सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। साथ ही ऐसे ही 20 मंदिरों को भी विकास कार्य में जोड़ा गया है। मतलब फिर पर्यटन को प्रमोट करने के लिए स्टेट आर्काइव है हमारा बीकानेर में, जो विशेष रूप से म्यूज़ियम है, तो उस म्यूज़ियम में पब्लिक गैलरी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट जो है वो बनाया जाएगा, ताकि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जो गौरवशाली स्थल हैं, जैसे चामुंडा, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिबे, उदयपुर, इन स्थलों को जोड़कर इसे एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आर्म्ड फोर्सेज म्यूज़ियम जो है वो हमारे राजस्थान में स्थापित करना है, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता है। तो हम ये करेंगे कि एक DPR बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे ऐसे आर्म्ड फोर्सेज म्यूज़ियम स्थापित करने के लिए, ताकि हमारे युवाओं में जो भारतीय फौज के प्रति एक तरीके से जो शौर्य और बलिदान है उसकी भावना को डेवलप किया जा सके, ठीक है, और भारतीय फौजियों के प्रति एक सम्मान जो है वो सरकार की तरफ से प्रदर्शित, हमारी तरफ से प्रदर्शित किया जा सके। फिर एक अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूज़ियम बनाया जाएगा खेजड़ली में, जोधपुर में, क्योंकि आपको तो पता ही खेजड़ली जो हत्याकांड हुआ था वो एक काफ़ी मतलब एक बड़ा खड़ाना था अपने राजस्थान का, अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान का ही क्यों, पूरे विश्व का ही था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो है वो लोगों ने बलिदान किया था। तो अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूज़ियम, इंडिजीनियस यानी कि क्षेत्रीय, हमारे क्षेत्र विशेष जैसे खेजड़ी है, आकड़ा है, ऐसे ऐसे प्रॉपर इंडिजीनियस प्लांट्स को लेके एक म्यूज़ियम डेवलप किया जाएगा, ताकि स्थानीय वनस्पतियों को संरक्षण दिया जा सके और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने जो बलिदान किया था, पूरे गांव ने जो बलिदान किया था वो इंडिजीनियस प्लांट के लिए ही था, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और काफ़ी सारा ऋण भार जो है वो राजस्थान पर है, इस वजह से राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय सरकार ने किया है। मतलब ठीक है, तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो है वो इस बजट में किए गए हैं। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले तो राजस्थान का जो इकोनॉमिक स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान पर जो अभी करंट में जो ऋण भार है वो लगभग दोगुना हो चुका है,
और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार ये 5,79,781 करोड़ रुपए का ऋण भार अपने राजस्थान पर है, मतलब यानी कि 5,79,781 करोड़ का। इसके अलावा हमारी जीडीपी में जो डैब है यानी कि जो ऋण है, यानी कि हमारी टोटल जीडीपी और उसके उस पर ऋण कितना है, मतलब उस ऋण के मामले में राजस्थान जो है वो सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद में सबसे ज़्यादा ऋण भार वाला राज्य है। इसके साथ ही अगर हम प्रति व्यक्ति ऋण की बात करें, क्योंकि अगर इस टोटल ऋण को प्रति व्यक्ति के हिसाब से डिवाइड करें तो 36,800 रुपये से बढ़कर 17-18 के टाइम पे 36,800 था। ये 17-18 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पहले की बीजेपी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड है ना, तो 36,800 रुपये से बढ़ के 70,800 रुपये हो गया, यानी कि डबल हो चुका है लगभग। तो एक तरीके से ये भी काफ़ी गंभीर स्थिति है राजस्थान की। तो राजस्थान सरकार ने इसीलिए जो है वो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और बातें, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में जो है वो आम जन को और निवेशकों को प्रॉपर सुविधाएं मिल सके, इसमें सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी निवेशक, कोई भी पक्षकार है, अगर अपनी कोई सूचनाएं भरता है तो उसको उसके दस्तावेज स्वतः तैयार हो जाएंगे, ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, प्रॉपर निरीक्षकों के माध्यम से जो है वो उनका निरीक्षण करवा दिया जाएगा बाद में, फिर स्टाम्प ड्यूटी भी ऑनलाइन माध्यम से दी जा सकेगी, मतलब इसके साथ ही जो वो टोल फ्री हेल्पलाइन बनाई जाएगी। मतलब ये काम की चीज़ नहीं है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई चीज़ है तो वो दो तीन चीज़ें हैं। जैसे एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है परिवहन में, तो वो स्मार्ट कार्ड वाले सिस्टम को सरकार ने ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही जो वाहन की फिटनेस की बात आती है तो वो एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था सरकार ने कर दी कि आप कहीं पर भी फिटनेस टेस्ट करवा लो, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। और चीनी और गुड़ जैसे उत्पाद हैं उन पर मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया, और एक लैंड टैक्स लगता है उसको भी सरकार ने समाप्त करने की घोषणा कर दी। मतलब तो ये एक बड़े अनाउंसमेंट है ना इन टैक्सेस के मामले में। फिर सरकार कह रही है कि ये जो हमारा बजट है वो 4,86,615 करोड़ 10 लाख का बजट है, मतलब यानी कि ये वाला डाटा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 4,86,615,09 लाख करोड़ का ये बजट जो है वो हमारा बना हुआ है। मतलब अब इस स्थिति में इन बजट अनुमानों की बात करें तो राजस्व व्यय की स्थिति कुछ ऐसी है, प्राप्तियाँ जो है वो ये है, राजस्व घाटा जो है वो ये है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस डाटा देखने के लिए, आप लिखना चाहो तो ठीक, नहीं तो इतने मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो इकोनॉमिक रिव्यू में जो चीज़ें आती है वो वाले क्वेश्चन आते हैं, बजट अनुमान होते हैं तो इनके क्वेश्चंस नहीं बनते। पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने आगामी वर्ष के लिए GSDP का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रखने का लक्ष्य रखा है, मतलब रहने का अनुमान लगाया है। तो हम कहेंगे कि 3.95% का जो है ये हमारा अनुमान सरकार ने लगाया है, मतलब है ना, ये हमारे टोटल GDP का राजकोषीय घाटा रहेगा। इसके साथ ही डैब GDP रेशो जिसकी अपन बात कर रहे थे, जिसमें पंजाब सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, वो हमारा 37.48% रहने का अनुमान रखा गया है, ठीक है। अब सरकार ने, जैसे मैं अगर मैडम की बात दोहराऊं तो उन्होंने कहा है कि मैं लेखानुदान प्रस्तावित करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम अभी पूरा खर्चा नहीं करेंगे हमें, क्योंकि जैसे अभी चुनाव आ जाएंगे तो चुनाव जैसे मान लो अप्रैल में चुनाव है तो मार्च अप्रैल के आसपास तक जाके सरकार को बजट मिलेगा, फिर चुनाव के टाइम पे प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें 31 जुलाई 2024 तक जो है वो 4 माह का लेखानुदान दे दिया जाए, मतलब है ना। तो सरकार ने 4 माह का ही पैसा मांगा है और उसमें कहा है कि हम कुछ चीज़ों के लिए तो पूरा पैसा मांग रहे हैं, जैसे निर्वाचन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए, क्योंकि ये ऐसे मद हैं जिनको खर्चा करना, समय के हिसाब से खर्चा करना जरूरी है, मतलब तो इसलिए ये तो हमें पूरे चाहिए। लेकिन इसके अलावा बाकी जो और चीज़ों के लिए हमें जो है वो सिर्फ लेखानुदान दे दो, है ना, हम केवल खर्चा करेंगे, फिर हम परिवर्तित बजट जो है वो बाद में प्रस्तुत कर देंगे। तो 31 जुलाई 2024 तक सरकार जो है वो सिर्फ लेखानुदान मांग रही है कुछ का, बाकी जितना सरकार ने प्लान किया है उसका नहीं मांगा है ना। तो पहले लेखानुदान लिया जाएगा, उसके बाद अगर अपन बात करें सरकार की इनकम कहाँ से होती है और सरकार का खर्चा कहाँ होता है उसकी अगर अपन बात करें इस बजट में, तो देखना आप एक बार सरकार का ये पूरा सारणी किस तरीके से सरकार ने बताया है कि भाई देखो हमारे पास में कई सारे सोर्सेज हैं इनकम के। जब अपन बजट की बात करते हैं तो बजट सरकार जब बनाती है तो कुछ इस तरीके का बजट हम क्रिएट करते हैं कि हमारे पास में एक होता है राजस्व खाता और एक होता है हमारे पास में पूंजीगत खाता।
जो राजस्व खाता होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है, जो एक आय से रिलेट होता है और एक व्यय से रिलेट होता है। ऐसे ही पूंजी खाता जो होता है वो भी आय से रिलेट होता है और व्यय से रिलेट होता है। आय में सरकार को कई सारी चीज़ों से आय होती है, जिसे हम दो मेजर भागों में बांट सकते हैं, एक टैक्स इनकम और एक नॉन टैक्स इनकम। टैक्स इनकम में वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, ठीक है। और नॉन टैक्स इनकम में जैसे सरकार कोई जुर्माने लगाती है, सरकार को कहीं से, मान लो सरकार ने कोई ऋण दे रखा है तो वहाँ से ब्याज प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार की कोई इंस्टीट्यूशंस है, कंपनियाँ है, वो काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मान लो सरकार को कोई अनुदान वगैरह मिल जाए तो वो असिस्टेंस वगैरह मिलती है, तो वो नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है वो सरकार का होता है। और जो व्यय होता है, सरकार कई व्यय करती है जो सरकार के लिए ज़रूरी होते हैं, मतलब वो व्यय करना पड़ता है। एक तरीके से सब्सिडी दी सरकार ने, वेतन दिए, पेंशन दी, तो वो सब व्यय जो है वो राजस्व खाते के व्यय होते हैं। ऐसे ही सरकार की जो आय होती है वो या तो सरकार की आय होती है अपने विनिवेश के जरिए, यानी कि अपनी संपत्तियों को बेचकर सरकार जो है वो कमाई करे, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कोई कंपनी बेच दी, कोई शेयर बेच दिए वैसे टाइप में, या फिर सरकार जो है वो ऋण ले ले मतलब, ठीक है। तो और लोक लेखा का पैसा भी होता है, जो हम सरकार को GF PF के पैसे देते हैं, वो सारे पैसे लोक लेखा के पैसे भी इस पूंजीगत आय में आते हैं। और पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जो स्थायी असेट्स में होता है। एक तरीके से सरकार ने मान लो कोई मशीन खरीदी जो पूंजी से पूंजी बनाएगी मतलब, है ना, या सरकार ने रोड बना दिए, सरकार ने जो है वो लाइट लगा दी, वो वैसे टाइप की चीज़ें मतलब, है ना। तो एक पूंजीगत व्यय होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय होता है लगभग। तो सरकार के पास में ये वाला जो चीज़ है ना, पैसा कहाँ से आता है, तो जो आय वाली चीज़ है वो कहाँ से हो रही है सरकार की। तो अगर अपन बात करें तो सरकार कह रही है कि आप देखो यहाँ पर आय का एक हिस्सा कि हम 46.92 पैसे, यानी कि 100 का अगर हम लगभग 47% की बात करें तो 47% हिस्सा हमारा आंतरिक उधारों से, शुद्ध सार्वजनिक लेखा से, केंद्रीय ऋणों से, ऋणों की वसूली से, विविध पूंजीगत प्राप्तियों और आकस्मिक निधि से होता है। मतलब 47% तो हमारा आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, इनसे हो रहा है मतलब। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, हमारे पास में 15% हिस्सा जो है वो केंद्रीय करों से आता है, जो वित्त आयोग होता है वो आवंटित करता है, तो फिर वो केंद्रीय करों से हमारे पास में 15% का हिस्सा हमारे टोटल रिसोर्सेज का हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही केंद्रीय सहायता की जो अपन बात कर रहे थे, जैसे कि वो रिवेन्यू जो खाता होता है उसमें एक आय का सोर्स है, प्रॉपर एक अच्छा सोर्स है, जो केंद्रीय सहायता ग्रांट मिलता है हमें, ये लगभग 7.5% का ग्रांट जो है हमारे टोटल रिसोर्सेज का हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा कर भिन्न राजस्व की बात करें तो 4.66 पैसा है, यानी कि इतना परसेंटेज है, पैसा ही परसेंटेज है मतलब, है ना। बिक्री कर से हमें 5.96% प्राप्त होता है। अन्य कर आप अभी यहाँ मत ध्यान रखो, वाहन करों से जो है वो 1.66% प्राप्त होगा। और इसके अलावा 3.51 जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है उससे हमें प्राप्त होगा। जबकि GST की स्थिति आप देखोगे तो GST से लगभग 11.5% का हिस्सा है मतलब, यानी कि हमारे टोटल इनकम में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें GST से 11.46% पैसा आ रहा है मतलब। इसके साथ ही अगर आप एक्साइज से देखोगे तो ये हो रहा है हमारे पास में 3.5% का, वाहन करों से लगभग 1.5% का, और दूसरे करों से ये 3% का लगभग, बिक्री कर से लगभग 6% के आसपास का। तो यानी कि GST के बाद में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे बिक्री कर से आ रहे हैं, सेल टैक्स से आ रहे हैं मतलब, ठीक है। इसके अलावा कर भिन्न राजस्व हमारे पास में लगभग 4.5% का है, केंद्रीय सहायता 7% की है, और 15 केंद्रीय करों से हिस्सा मिल रहा है हमें। और ये जो है वो पूंजीगत है मतलब, यहाँ से हमें ऋणों से, विनिवेश से, इनसे जो है वो हमें पैसा प्राप्त हो रहा है मतलब, ठीक है। जब अपन बात करते हैं कि हमारा पैसा जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, तो आप देखोगे लगभग 50%, यानी कि आप 51 ही बोल सकते हो, लगभग 51% पैसा हमारा राजस्व व्यय में जाता है, ब्याज अदायगी को छोड़कर। ब्याज अदायगी का मतलब होता है कि हमें जो लोन ले रखे थे उन पर भी ब्याज देना होता है, तो उसको छोड़कर ये पैसा हमारा 50% राजस्व व्यय में जा रहा है। ब्याज अदायगी में भी जाता है हमारा 7.28% पैसा, यानी कि लगभग अगर आप इसे जोड़ो तो ये हो जाता है 58% के आसपास हमारा पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्व व्यय में जा रहा है, जो कि गलत स्थिति को दिखाता है, क्योंकि हमारा अधिकांश पैसा जाना चाहिए था उसमें पूंजीगत व्यय में, क्योंकि पूंजीगत व्यय से रोजगार सृजन होगा, पूंजीगत व्यय से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, पूंजीगत व्यय से देश का विकास होता, आर्थिक विकास होता हमारा। फिर अपन बात करें हमारा और पैसा कहाँ जाता है, तो हम ऋण दे देते हैं, अग्रिम दे देते हैं कुछ 0.05% का,
हमारा पूंजीगत व्यय आप देखो 8.92% पूंजीगत कैपिटल व्यय हो रहा है। इसके अलावा 33% पैसा जो है वो हम केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान करने में, आकस्मिक निधि का विनियोग करने में, इनमें हम खर्च कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही सरकार ने जो है वो कृषि के लिए भी, क्योंकि कृषि का हर बार से बजट, दो बार बजट जारी हो चुका है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कृषि के लिए प्रॉपर बताया गया है। मतलब ऐसा तो प्रॉपर बजट तो नहीं है अलग से, लेकिन हाँ ये कहा है भाई हाँ ठीक है हम कृषि के लिए भी ये वाले जो बजट है उसका एक मोटा मोटा खाका सरकार ने बता दिया। मतलब जैसे गहलोत साहब जारी कर रहे थे वैसे नहीं किया, ठीक है। तो इसमें कितना कितना किस किस पर क्या क्या खर्चा कर रही है सरकार, अगर आप इसमें ओवरऑल खर्चे में देखोगे तो 31% जो खर्चा है वो कृषि अनुदान पर किया जाएगा। ये फर्स्ट नंबर पर है एग्रीकल्चर बजट का, सबसे ज़्यादा खर्चा अनुदान पर होगा, एग्रीकल्चर सब्सिडी पर होगा 31% का। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 25% का पैसा जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट में जाएगा, पूरे एग्रीकल्चर बजट का मतलब। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो लगभग 16% का जो खर्चा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। और फिर अगर अपन चौथे नंबर पर बात करते हैं तो लगभग कृषि विपणन के मामले में ये हमारे पास में खर्चा जाता है 6.62% का, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर बजट का मैंने एक छोटा सा जो कटआउट है वो मैंने यहाँ डाला है, आप एक बार इसको देख लेना कि सबसे ज़्यादा खर्चा हम किस में कर रहे हैं, है ना। हमारे पास में टोटल 90,619 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर बजट है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हम जो है वो एग्रीकल्चर अनुदान में देंगे, एग्रीकल्चर सब्सिडी में देंगे, ठीक है। 31% वहाँ जाएगा। बाकी इस तरीके से जो है वो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा ये कोई काम का नहीं है। तो धन्यवाद सभी को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हम बहुत ही आर एस पे जो है वो क्लासेस शुरू करेंगे जल्दी, और वो एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, कुछ टाइम बाद में क्लासेस आ जाएगी, फिर हम उस पर मिला करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।